parameters are set for ANYA and all other affiliated organization under the community. तो इनका ये meaning तो नहीं बनता कि anybody pretended to be representing any community can do anything and pick up any issues. ये होता नहीं है. Social sanction जरूरत है और कोई organization निशी का अंदर में अपने individual grudge को लेके या politically motivated होके issue उठाएंगे. That is not for the greater interest of the community and that is also not in the interest of the state. ये चीज. सर आपने बोला अभी आन्या का पास पैरामीटर है तो ऐसे आप निशी लेजिस्लेटर तो कभी उन लोगों को आप ये गाइडेंस मतलब सजेशन देने के लिए कोशिश किया कभी बुलाया इसे पहले? यस यस टाइम एंड अगेन इवन हम लोगों का पास में कंसल्टेटिव मीटिंग जो है जिनमें आन्या खुद ही मेंबर है और वहाँ हमेशा कहा गया है इवन इन द फर्स्ट कंसल्टेटिव मीटिंग वी हैड अ रेजुलेशन टू चैनलाइज द ग्रीवेंसेस थ्रू अ प्रॉपर चैनल. इसका मीनिंग ये होता है कि जो भी निशी समाज में इश्यू है या ग्रीवेंसेस है वो डिस्कस करेगा एनईएस के लेवल में. उसके बाद वो रहे आएगा हमारा थ्री मिनिस्टर्स का थ्रू. निशी में तीन मिनिस्टर है उनका थ्रू जाके तब गवर्नमेंट को प्लेस करेगा. इफ सपोज द ग्रीवेंसेस इज नॉट एड्रेस देन जाके कम्युनिटी लाइन में क्या डेमोक्रेटिक एक्शन लेना है वो लेना चाहिए. यहाँ तो आपको एनी टॉम डिक एंड हैरी इश्यूज पिकिंग अप वो कोई समाज को रिप्रेजेंट नहीं करता है और सोशल सैंक्शन नहीं है इस बार भी. तो सर आपको क्या लगता है वो जो अगर वो कम्युनिटी का रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है तो आप लोग का बात नहीं सुन रहा है तो क्या लगता है आपको? तो ये जो अन्या जो कर रहा है बनकोल इतना जबरदस्ती कर रहा है तो क्या लगता है इसमें क्या है? हम लोग ने लेजिस्लेचर ने रेजुलेशन पास करके एनईएस को दे दिया है कल. Then anyways, NES will take a call on this. Yeah. और वैसे भी आन्या का टर्म्स ये फरवरी को खत्म है. Then we are hopeful that NES will take a certain stern action. ये जो अफ्टरनून को आप लोग को गवर्नमेंट का तरफ से ऑनरेबल होम मिनिस्टर और गवर्नमेंट का तरफ से आप लोग को प्रेस में क्लैरिफिकेशन देंगे. देखिए अभी जो इस बार जो आन्या जो बर्न कॉल किया है इस बर्न कॉल को निशी कम्युनिटी से हम लोग जितना जो लेजिस्लेचर के साथ और जितना निशी डिस्ट्रिक्ट है पूरा कम्युनिटी हम लोग कंडेम करता है और बिल्कुल ये गलत है और इलीगल बर्न कॉल है और इसको बिल्कुल हम लोग लेजिस्लेचर तो सरकार का साथ हम लोग बिल्कुल मजबूत का साथ करा है और पूरा आपके आपके सब मीडिया के माध्यम से जितने भी निशी भाई बहन जितने भी हर डिस्ट्रिक्ट से लोगों से भी ये अनुरोध करना चाहूंगा कि बिल्कुल ये एलिगेन में कोई निकलना नहीं है कोई पार्टिसिपेट नहीं करना इस बर्न कॉल को कोई सपोर्ट नहीं करना. हम लोग बिल्कुल इसमें कोई भी प्रकार का हम लोग कंडेम करते हैं. एनईएस भी साथ नहीं है इसमें लेजिस्लेचर साथ है कोई पूरा निशी का 100% कुछ अन्या का कुछ मेंबर्स है बाकी कोई साथ नहीं है. तो ये हमारा हम लोग का मीडिया का तो थ्रू हम लोगों को एक खास करके निशी जितना भी डिस्ट्रिक्ट है यूथ लोग को और सुनने में आया कि जो जो डिस्ट्रिक्ट से कुछ डेलीगेशन आ रहा है और बिल्कुल डेलीगेशन नहीं आना और इसमें हम लोग कोई प्रकार का निशी लोग साथ है. नातुम सर बंद कल्चर को कोई साथ नहीं देता हम लोग भी साथ नहीं देते हैं तो आप लोग तो इलेक्टेड लीडर है आप लोग तो जरूर साथ नहीं देंगे क्योंकि मेजोरिटी ऑफ पब्लिक को आप लोग रिप्रेजेंट करते हैं 7% पब्लिक को नॉट इवन जो होता है जो वोट मारता है जो पैदा होता है जो स्टेट में उस सबका रिप्रेजेंट करते हैं आप लोग सरकार लोग. लेकिन एक चीज सर सवाल बार बार उठता है जब बंद को डिक्लेयर करने का बाद एमएलए लोग खास करके हमारा जो लार्जेस्ट कम्युनिटी का एमएलए लोग एक ही बार में जागरूक हो गया पहले इसका ऊपर में क्यों डिस्कशन नहीं हुआ? अन्या बार बार नवंबर से बार बार अल्टीमेटम का ऊपर अल्टीमेटम दे रहा है सरकार उसको जैसे गृह मंत्री जी एक बार बुलाए उनको बात करने के लिए दे डिडंट टर्न अप. इसके बाद में भी सर बहुत तरीका था बात करने का देश का तरफ से भी था जैसे आप बता रहे हैं. आपको बता रहा हूँ कि गृह मंत्री जी ने कल हम लोग मीटिंग में भी डिस्कस किया कि अन्या ने जो जो रिपोर्ट मांगा है जो जो गवर्नमेंट का सरकार का डिपार्टमेंट में हर डिपार्टमेंट में जो एलिगेशन दिया है उसको सरकार का तरफ से पूरा रेडी करके अन्या को डिस्कस के लिए अन्या को बुलाया
सीएमओ से लिखित में भेजा, गृह मंत्री जी ने टेलीफोन भी किया, हम लोगों ने भी काफी किया, लेकिन वो हम लोग का साथ बात करने को तैयार नहीं, बिल्कुल सरकार के साथ में हम लोगों से बात करने का तैयार नहीं है। अभी भी हम लोग रेडी है, अन्या ने जो मांगा है डॉक्यूमेंट मांगा है, जो क्लैरिफिकेशन मांगा है, अभी गृह मंत्री जी के पास है, अभी भी हम लोग रेडी है, अभी भी आइए, हम लोग बात करने के लिए तैयार है। वो बात करना नहीं चाहता तो क्या करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ये क्लियरिफिकेशन हो रहा है कि ये जो प्रेस ब्रीफिंग में आप शायद देख रहा है, तीन मिनिस्टर है, जेडीयू का ऑनरेबल मेंबर है, एनपीपी का ऑनरेबल मेंबर है, तो यहाँ में कोई मंत्री नहीं है, यहाँ में कोई जेडीयू नहीं है, यहाँ में कोई एनपीपी नहीं है, यहाँ में कोई बीजेपी नहीं है, वी आर जस्ट लीसी लेजिस्लेचर्स। तो लीसी लेजिस्लेचर का ओपिनियन को आप लोगों को बताना था, तो इट इज इन ए रिटन फॉर्म, दिस विल बी सर्कुलेटेड टू एवरी वन ऑफ यू। तो सरकार का जो ये क्लैरिफिकेशन है, वी विल मीट अगेन इन द आफ्टरनून फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड, बट वी हैव आई हैव तो उस फायदा लेते हुए आपको बताना चाहता हूँ कि आई हैव रिक्वेस्टेड द डिप्टी कमिश्नर कैपिटल डिवीजन टू कन्विंस देम एंड ब्रिंग टू द गवर्नमेंट, वी विल डिस्कस। अगर वो डीसी सब लेके आते हैं, तालुक प्रमुख सब लेके आते हैं, हम बात करेंगे। Not the door, even window door are all open and they can come at any point of time to discuss with us for a solution. Thank you very much.